रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडियाज बिगेस्ट रियलिटी शो। यहाँ मेरे लॉकअप में, मेरी कैद में है भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी, एक से एक बढ़के ड्रामेबाज, और इनके नखरे तो आप देख ही रहे हैं। रोंदलू सारा तो चिपकू शिवम, गुसैल पूनम तो लड़ाकू पायल और डेढ़शाना मुनव्वर, एक से बढ़कर एक। लेकिन इस बैड एस जेल में वही विनर होगा जो इन सब बैड एस से बढ़ के बैड एस होगा, मतलब कि सबका माई बाप। एसी फुल स्पीड में ऑन है लेकिन लॉकअप में सबके पसीने छूट रहे हैं। बहुत कुछ हुआ पिछले हफ्ते, ओवर स्मार्ट छोकरे ने अपनी स्मार्टनेस दिखा दी और लगा दिया कर्म पे चार्जशीट। होली आई नहीं लेकिन रंग पहले ही दिखाने लगा मुनव्वर। लेकिन फिर भी इस डेढ़ शाने लड़के पे आ गया शाशा का दिल। इस हफ्ते जिन कैदियों पे चार्जशीट लगी है वो है पूनम पांडे, पायल रोहतगी, तहसीन पूनावाला, शिवम शर्मा, शायशा शिंदे और करणवीर भोरा। कल मेरे लॉकअप में सबसे पहली बर्थडे पार्टी मनाई गई। किसकी? लेट्स सी। ओह माय गॉड, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हु गेव यू ऑल दिस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हु गेव यू ऑल दिस। ऑरेंज 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 दोनों पे ऑरेंज। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार मिला नहीं, आदत नहीं, आदत कर लो, आदत डाल दो, प्यार अच्छा चाहिए। नेक्स्ट बर्थडे इससे धमाल बने। अरे खुशी का दिन है, it's lot of love for me, it's too much, it's my birthday and I am so proud that I gotta be, I am in lockup with the gorgeous gorgeous people. Thank you sir, thank you all, Balaji, thank you MX players, thank you Kangna ma'am, thank you so much for considering me. Thank you for thinking about me and thank you for making me a part of you. Thank you. Nice. I have gift. Wow. I have gift. I got gift. Look. Cake. KV, you started. You are the one. चल अपन देखते हैं क्या है। हाय हाय हाय। One of my। वाह। जय परी दुबाम। असला बाबूबाम। आतिशबाजी आज तो पूनम जी आतिशबाजी होगी। क्या बात है। Thank you, I love you, Lockup. Thank you so much. I just feel me right now. उसको खिलाओ, पूनम को खिलाओ, बस
बस भाई अब ये ना केवी भाई तुम पीस कर दो बारह I can taste so good. Happy birthday and thank you so much. अभी तो party शुरू हुई है. अरे ले लो ले लो.
ने जो झोल झोल घर में किया उसे राइट ब्लॉक में आ गई है सबसे बड़ी दरार और उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड जिससे उसकी सबसे ज्यादा बनती है करणवीर पे लगा दी है चार्जशीट। लेकिन असली एक्शन उसके बाद शुरू हुआ। मेरे लॉकअप में रहना इतना आसान नहीं है। वॉच टास्क में टीम की जरूरत है उसमें 100% देंगे। मैं सही बताऊं अदरवाइज यू नो व्हाट ये जो ये डीवीएस दिमाग है ना प्लानिंग का सुन देख क्या हो रहा है वहां पे देख I will never tell you to go against Munawar. I will never tell you because it is my deal. It is my. It is your call. Whatever you want to do. True. You know what I mean? True. उसकी पता है उसमें problem क्या है Munawar में? उसकी want नहीं है. उसकी desperation. You know that this is very true. Very true. क्या बात बोली है? I will attack him. I will attack him where it needs to be attacked. Then let's see. Yeah, yeah. Let's see how he responds. I want to see that. देख पायल और सिद्धार्थ की बात ही खत्म नहीं हो रही। खाएगा क्या? देख नहीं मेरे को नहीं चाहिए। मुनावर बैठा बाहर है मगर उसकी आंखें यहाँ पर हैं। वो ये करता है, है ना? ये करता है। वो बैठा वहाँ पे है, बातें हमारी कर रहा है। वो नजर देता है, वो लुक देता है, ये सब करता है। It's good to make friends. It's good to make, you know, brothers like that way. But then, रिश्ते ना बनाने से नहीं निभाने से बनते हैं। क्यूट है बहुत भोला और बहुत इजीली मुड़ जाता है कोई भी दिशा में। But this is the right time for him to make a strong bond with them, cause वो उसे उनका भी डर है ना, like he knows ना कि they are going after him. समझे? Anjali के और इसके पीछे they are going ना, so he understood. So next charge sheet में वो नया ना हो, he is making sure that. अब अगर मुनावर से बात करो तो मुनावर बोलता है कि पहले हम सामने वाली टीम का सब उड़ाएंगे, वीक उड़ाएंगे, फिर स्ट्रांग उड़ाएंगे। तो ऐसे फिर वो करने के बाद तुम अपनी टीम में से स्ट्रांग उड़ाओगे और तुम चार पहुंच जाओगे फिनाले में, है ना? तो मतलब शो तुम लोगों के लिए थोड़ा बना है। हम लोग क्या यहाँ पे पप्पू है क्या? प्लीज ओपन दिस डोर, आई बेग ऑफ यू। यू कैन नॉट कीप मी इफ आई डोंट वांट टू स्टे। यू हैव टू लेट मी गो। यू हैव टू लेट मी गो। आई डोंट वांट टू स्टे। आप तो चार्ज शीट, मैं कल जाऊंगा, इससे अच्छा मैं आज जाऊं। प्लीज, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू गाइस? मैन कैसे हो यार? प्लीज मैं भूल गया कल टीजे और बच्चे कनाडा जा रहे। मैं भूल ही गया तुझे ये बोलने के लिए यार, अगर मैं जाता वहां पर आके उनको मिल तो लेता। मैं वो कल जा रहे हैं तो मैं क्या किस फिराक में बैठूं मैं यहाँ पर? आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, मुझे पता कल जा रहे हैं। तो मैं उनको बोल रहा हूँ प्लीज जाने दो, मेरे को नहीं रहना है। सच में जेन्युइनली आई स्वेयर मैं कह रहा हूँ। यार क्या चाहते हो तुम लोग? बंदे की हालत तो देख लो कम से कम। एक नॉर्मल फोन कॉल कह रहा है अपनी फैमिली को। दिस इज रॉन्ग। यार ही सच अ स्ट्रांग फादर डूड। यार ये तेरे मजबूत आदमी को टूटते हुए नहीं देखता। बहुत मजबूत आदमी है। इतना स्ट्रांग बंदा माइंड से, उसकी माइंड गेम इतनी स्ट्रांग है। वो तो कुत्ते वाली हालत कर दी उस बंदे की तुम लोगों ने।
खाने के वांदे थे पहले ही, जीने के वांदे हो गए, सांसें कम पड़ गई, मुझे ऐसा लग रहा है अभी सांसें नहीं आएंगी हम लोगों को एक दो दिनों में। अत्याचारी जेल, अत्याचारी जेल। कल सुबह अड़ जाना, बुलाओ बात कराओ, फिर ही रेडी होके बाहर निकलूंगा। तो सुबह भी सेम फील करते हो ना तो तब का तब देखेंगे, ठीक है? I'm very, very sorry, T. If this was not to make you feel any sad or any pain, but I genuinely forgot. I swear I forgot you guys are leaving tomorrow. And I could have seen you guys, man. I could have seen you guys. Just postpone your ticket if you can. Please postpone your ticket, okay? If you can. Theek hai? Love you. गार्ड्स, कैदियों को यार्ड एरिया में लेके आओ। कैसे हैं सारे कैदी? आलीशान, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? I'm really enjoying watching you all. Thank you so much. Thank you. Very good show. Thank you. And we are breaking records after records after records. Congratulations to all. पिछले हफ्ते मेरी आप लोगों से जो मुलाकात रही, उसके बाद जब मैंने शो देखा तो मुझे लगा कि काफी लोगों का गेम जो है बहुत इम्प्रूव हुआ है, और जिसमें मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दी वो है मुनव्वर और पायल. Thank you. पायल, yes. जिस तरह से आपने चार्जशीट के वक्त ब्लेटेंटली ऑनेस्टली एकदम धाकड़ तरीके से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. लेकिन सूरज की रोशनी मिलते ही आपके दिमाग की बत्ती गुल हो गई जी, और आप भूल गए कि प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है. जी, आप जी. खुद को पॉलिटिक्स की माई बाप समझती हैं. Okay. आप हमेशा आप ये बताती हैं कि पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए जी. और आप ये ही नहीं जानती कि आप हमारा राष्ट्रपति कौन है. तो ये सनलाइट का कमाल था कि किसी और चीज का? ये आई थिंक आपके जेल का कमाल था. द जेल इज सो कूल कि मुझे पता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट का नाम, मुझे पता है. आई जस्ट ब्लैंक्ड आउट. आप एक तो इंटेलिजेंट कैटेगरी में जाती हैं जी, नहीं उसके पहले आप उस इंटेलिजेंट कैटेगरी में भूल जाती है और एक और इंटेलिजेंस दिखाती हैं. जब वो नाम पर्दे पे आ जाता है, टीवी पे लिखा हुआ आता है जी. तो उसके बाद में आप सबको रोक के वो नाम फिर से लिखती हैं और दिखाती हैं. तो मुझे लगा कि ये जो एक इंटेलिजेंस है, ये कहां से आई है? सूरज की रोशनी से. जो मैंने नाम फिर से लिखा वो मैंने स्क्रीन पर देखने के बाद नहीं लिखा, मैं खुद ही अपने आप क्या कहते हैं मंथन कर रही थी और मैंने नाम को खुद अपने ब्लैंकनेस में से खोजा. देन आई रियलाइज्ड कि शायद टीवी पे आ गया है, दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज लाफिंग, बट ट्रस्ट मी आई डिसाइफर्ड द नेम ऑन माय ओन. आई एम जस्ट टेलिंग यू. लेकिन आई मस्ट से कि आप अभी भी इन्वॉल्व होने में ध्यान दे रही हैं, व्हिच इज गुड. लेकिन जीतने पे अभी भी आपका ध्यान नहीं है. जीत मैंने कई बार देखा आप अपने ही टीम के विरोध में दुआएं देती हैं उनको खड़े खड़े कि आप हार जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे. नहीं नहीं, कहीं के नहीं रहोगे, ऐसा नहीं मैं बोल. नहीं नहीं नहीं, द होल थिंग इज आपने लास्ट टाइम बोला था कि पायल आप थोड़े डल हो गए थे फर्स्ट वीक पे. मैंने बोला कि कैसे मेरे टीम में एक मुझे इंक्लूजन इनरोड नहीं मिल रहा था, और वो सबको देखा क्योंकि सबने आके मेरे मुंह पे कालक पोथी. दे हैड सम डिफरेंसेस विद मी, आई हैड सम डिफरेंसेस विद देम. उसके बाद अब मैं कोशिश करती हूँ टीम के साथ घुलने मिलने की, बट देर इज अ लॉट ऑफ फेकनेस, और वो फेकनेस मुझे फील होती है. देर इज अ वाइब, देर इज अ एनर्जी. तो मैं सामने वाले टीम के साथ, ऐसा नहीं है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए, बट देर इज नो अदर ऑप्शन. सो मैं उनसे थोड़ा बातचीत करती हूँ, बिकॉज यहाँ पर टीम गेम है, देर इज इंडिविजुअल गेम. टीम हमको जेलर साहब ने दी है, इट इज नॉट अ चॉइस. आई हैव टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर मी. एंड आई अंडरस्टैंड दैट पायल, आई अंडरस्टैंड दैट. एंड योर गेम हैज इंप्रूव्ड रिमार्केबली. आपके आसपास चाहे फेक लोग हैं या चाहे आपको जो आप पसंद नहीं है वो हैं, लेकिन स्टिल आई एम एंजॉयिंग वॉचिंग यू. मुनव्वर, थैंक यू जी. मुनव्वर, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत कमाल खेला, एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग यू. आपने जिस तरह से चार्ज शीट के टाइम सीधा करण का नाम डाला, विशियस, माई काइंड ऑफ गेम, गुड. लेकिन मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जब आपने कहा कि आप सबके दिमाग से खेल रहे हैं.
कभी कहा था मैंने ये अंजलि को कहा था बट आई होप अगर आप खेलें तो जीते जी बिल्कुल एंड यू नो योर गेम एंड यू डूइंग वेल लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि हाउ यू नो व्हाट यू आर हियर फॉर एंड यू आर फोकसिंग ऑन दैट वो मैटर करता है एंड आई थिंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स कैन सी ही इज हियर टू विन ही इज इंडल्जिंग हिमसेल्फ ही इज इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ बट ही इज हियर टू विन दिस इज द काइंड ऑफ गेम आई अप्रिशिएट यस यस थैंक यू और आपने करणवीर का नाम लिया हाँ मैंने उनका जब नाम लिया उसके बाद मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई क्योंकि मैं जो सोचता हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ ये बॉन्ड मेरा उनका ऐसा बॉन्ड था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बॉन्ड और मैं ये फील करता था कि अगर वो मेरी जगह होते तो मैं शायद बाहर से ये बोल रहा होता कि भाई ले लो टीजे का लेटर बट मेरा नाम दे दो बिंदास तो मैं सेम चीज़ उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था जिसमें मेरी गलती है क्योंकि मैं नहीं सोच सकता कि वो इंसान ये चीज़ ले लेगा तो यहाँ पे मेरी वो गलती हुई कि obviously उनकी साइड से there is nothing right and there is nothing wrong as long as you focused on winning you're here to win and if you're focused on winning that's what we want जैसे मैंने कहा इस badass jail का winner वो होगा जो होगा सबसे ज़्यादा badass इस jail में so ये कोई जैसे मैंने कहा ये वैसा show नहीं है जी बिल्कुल वैसा वाला नहीं मैं हूँ मैं हूँ ऐसा वाला है मैं हूँ बैड एस बहुत सारे लोगों के लिए बट मैं क्लियरली ये बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं बैड एस नहीं हूँ फिलहाल नहीं हूँ क्योंकि एक वक्त आएगा जब होना पड़ेगा तब की बात है बट अभी मेरा जो भी बॉन्ड है किसी के भी साथ तो वो बिल्कुल फेक नहीं है दैट्स वंडरफुल करणवीर आप पहली बार चार्जशीट में आए तो आपकी लगता है फट गई कल रात को आपने बवाल खड़ा कर दिया और चार्जशीट की वजह से नहीं कल एक मोमेंट ऑफ वीकनेस था मैं जब सो रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि आज बच्चे और टीजे कनाडा जा रहे हैं सडनली हिट हुआ कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा जो कि मैं मानता हूँ रहूँगा मतलब मुझे वो फैमिली को मिलने का मौका नहीं मिलेगा और मैं अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था कि क्यों ये बात मुझे पहले नहीं सूझी क्योंकि अगर ये बात मुझे तब रियलाइज होती दैट शी इज़ लीविंग आई कुड हैव हैड अ चांस टू मीट द किड्स एंड आई लेट इट गो आई फाउंड इट वेरी silly on my part I really was blaming myself ki ye maine kaise kar diya and I was just it was a moment which I'm embarrassed about myself ki ye kaise hua jab subah utha I realized ke what did I do there is nothing to be embarrassed in the badass jail one thing only embarrass you if you don't involve yourself aur ab agar apne aap ko conceal karte hain apne aap ko chhupate hain apni bhavnaon ko chhupate hain darshate nahi kuch hain kuch dikhane ki koshish karte hain that should be the only embarrassing factor in my badass jail लेकिन करणवीर अंजलि ने मुनव्वर को कहा कि आपने उनको कहा था कि एक फेक क्रश मेरे लिए आप दिखाइए एक अफेयर या जो भी है मेरे लिए एक एडमिरेशन दिखाइए आप अपनी वाइफ की फ़ोटो लेके अंजलि के पास जाते हैं और उसको कहते हैं एक एंगेजमेंट के लिए एक फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की कुछ क्रिएटिविटी आप मैंने कहा ना कि आप कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं खुद बनने की कोशिश नहीं ये मैंने सोचा था पहले ये आई थिंक दूसरे ही दिन की बात हुई थी जब हम शो में आए थे तब फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि आउट हियर एवरीथिंग इज वेरी ऑर्गेनिक बिकॉज मुझे इस शो के बारे में कुछ पता नहीं था और जो कि बाहर भी बहुत सारे शोज होते हैं बात करते उस शोज के बारे में अबाउट यू नो हाउ यू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ फेकनेस और अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरीज अ लिटिल बिट ऑफ इसमें कुछ बोला जाता है तो मुझे लगा ऐसा मैं मानता हूं इस बात कुछ मैं मानता हूं इस बात को नहीं है हां तो यहां पे कुछ भी फेक नहीं है एब्सोल्युटली आई रियलाइज दैट बिकॉज़ दैट वाज द सेकंड डे दैट वाज आई थिंक सैटरडे संडे को आए थे और आप अपने जैसे आप अपने वाइफ और बच्चों की बातों उनको ये देख के कैसा लगता जो आप ये फेक नैरेटिव शुरू करना चाह रहे थे तो उनकी भावनाओं पे क्या फर्क नहीं पड़ता नहीं अगर ये बात अभी होती तो बहुत फर्क पड़ता ये बात उस वक्त की थी जब हम जस्ट आए थे और कुछ पता नहीं था इस शो के बारे में सो दैट्स व्हाट यस मुनव्वर आई वाज disappointed bit shocked के करण भाई ने ये बात बोली होगी बट मुझे आपकी वो एक बात बहुत अच्छी लगी जब वो आपने इस वक्त पे बोली अंजलि को कि ये गेम एक ऐसा गेम है जहाँ पे गेम खेलने का नहीं है जस्ट बी योरसेल्फ और गेम खुद ब खुद खुल जाएगा गेम खुद चलता रहेगा यू जस्ट बी योरसेल्फ तो ये बहुत अच्छा आपकी हर एक जहाँ पे आप जिस जगह पे होते हैं उसका एक अपना नेचर होता है उसकी अपनी डायनामिक्स होती है और उसके अपने फोर्सेज होते हैं उस चीज को रिकॉग्नाइज करना उस चीज को अंडरस्टैंड करना कि हाउ टू बिहेव हियर इन दिस सर्कमस्टांसेस जहां पे आप अपने अच्छे या बुरे बिहेवियर के लिए जज नहीं किए जाओगे आप जो हैं
क्या वो उसके साथ कंफर्टेबल हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और आप दुनिया के सामने वैसे आने के लिए तैयार हो, उस चीज से आपको विजेता या लूजर डिसाइड किया जाएगा। मैंने उसको यही समझाया कि बस ये बात यहीं पे अभी खत्म कर दे और इस चीज में आगे कुछ सोचना मत, यू जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट प्ले गेम, अपने आप ही खेले जाएगा, हमें बस टिके रहना है क्रीज पे। अंजलि, यस मैम, तो आप मुझे क्या कहेंगे, आंटी कहेंगे कि बुढ़ी कहेंगे के बुआ जी या मौसी दादी अपर दादी? मैं किस एज ग्रुप में आती हूँ? मैम नहीं, यहाँ पे कोई एज ग्रुप नहीं है मैम, सभी ये चीज पे टारगेट कर रहे हैं कि छोटी है, बात बात पर ये चीज बोलते हैं कि तेरी एज छोटी है। आपको लगता है जो इस जेल में जो भी आपसे थोड़े बड़े हैं वो सब बुढ़े हैं? मैम नो, मैंने सबको नहीं कहा मैम। पायल जी ने जब ये चीज मेरे को बोली कि मतलब उन्होंने बहुत सारा मतलब मेरे मिमिक्री करके दिखाई कि मैंने ये बोला मैं वो बोला, मैम मैं हमेशा इनसे बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करती हूँ बिकॉज शी इज अ पार्ट ऑफ आर टीम, मैं सब अपनी पूरी टीम से बॉन्डिंग बना। पता है यहाँ कोई बॉन्डिंग बनाने के लिए नहीं मैम, नो बॉन्डिंग नहीं कि मतलब जब हम टास्क कर रहे हो कि हम सब एक दूसरे से कंफर्टेबल हो मैम, वो हमेशा ये चाहती है कि वो इस ग्रुप को लीड करे, जो मुझे लगता है तो उनको उड्डी कहना सही है मैम। वो भी तो मेरे को इतना वो चीज बोले जा रही है कि आप 21 साल के हो, आप घर, आपको घर जाना चाहिए, यहाँ बच्चों की कोई जगह नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। सो मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है, बुड्ढों की भी कोई जगह नहीं है। अगर कलन ने जब रात को रिएक्ट किया तो आपने भी काफी रिएक्ट किया था कल रात को? मेरे को मम्मा की याद आ रही थी अपनी उस टाइम पे कि वो ही इज जस्ट क्राइंग कि फिर आप जब ऐसी बातें करती हैं कि मम्मा की याद आ रही है आपको, तो फिर आपको बच्ची नहीं कहेंगे तो क्या? यहाँ पे सबको सबकी फैमिली की याद आ रही है। मुझे नहीं लगता कि बच्ची कोई ऑफेंसिव वर्ड है। जब कोई ऐसा कहता है कि मुझे मम्मा की याद आ रही है तो उसको एक बच्चे की ही भावना से देखा जा सकता है। Exactly, मैम, बट वो गेम के बीच में लेकर आ रहे थे ना इस चीज में कि हम बच्चों की कोई जगह नहीं है, बच्चों को जाना चाहिए। मैम जहाँ पे वो परफॉर्म कर रही है वहाँ पर मैं भी परफॉर्म कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको इस चीज पे कंपैरिजन करना चाहिए। और आपको करण ने जो कहा था हाँ जी अफेयर बनाने के लिए, यस, आपने काफी दिन वो सोचे समझी वो बात और फिर? मैम सोची समझी नहीं मैम, मैंने किसी से शेयर भी नहीं करी वो चीज, बिकॉज आई नो कि मैं क्या हूँ, मुझे वो चीज नहीं एक्सेप्ट करनी थी। अगर नहीं करनी थी तो बी ऑनेस्ट, आई वाज ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, यस आई एम, आई डिड दिस बट आई वाज ऑनेस्ट विद यू, सो बी ऑनेस्ट विद मी, मत करो उसको ट्रैप, उसको ट्रैप की तरह मत यूज करो। अब ये बोल दिया मैं उस बात को, 15 दिन हो गया तो अब जाकर लास्ट वीक बोल दे, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था कि आपको मैं फील करवाऊं कि मैं क्लोज हूं या व्हाटएवर, आई ऑलवेज कीप अ डिस्टेंस, ऑलवेज व्हाटएवर इट इज, यू नो, बिकॉज मुझे शो के बारे में नहीं पता था ये शो क्या है, ये एक फॉर्मेट है, एक रियलिटी फॉर्मेट है, क्या होता है मुझे पता नहीं, तो आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट माई ओन नरेटिव, ओके, एंड दैट इज व्हाई आई डिड दिस। अब यहाँ बात पे मेरी जेल में कोई भी किसी भी तरह का फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। ये पता लग गया एंड इट इज जेन्युइन, इट इज, तो वो यही है कि किसी तरह की कोई भी फेक नैरेटिव नहीं होना चाहिए। true, जो भी जेन्युइन नैरेटिव है हमारे रियलिटी शो में हर चीज जेन्युइन होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, और जैसे मैंने कहा डिसऑनेस्टी भी हो तो भी ऑनेस्ट होनी चाहिए। Honestly, you know what, Kangana, I want to say something. I appreciate this कि आपने इस बात को खुलासे में लाई, ये मुझे अब एक यकीन हो गया मुझे कि दिस शो रियली इज अ freaking one of the best organic reality shows ever. I really appreciate that. It is, मतलब मुझे खराब लग रहा है आपने वो जो बात निकाली है, but I appreciate this and this is how I'm going to go move ahead. With Payal, what were you saying? मैं खाली कुछ काउंटर करना चाहती हूँ। अंजलि जी ने मेरा नाम लिया एंड शी सेड कि मैं उनको घर से निकालने के लिए कह रही थी एंड एक्स वाई जेड। अंजलि इज समबडी जो बात को समझती नहीं है या समझ कर ना समझ बनने का प्रयास करती है, वो गलती करती है फिर सबको बोलती है मैं बच्ची हूँ मुझसे बात कर लो मुझे माफी दे दो। जब उसने मुझे तो जब वो पहली बार नॉमिनेट हुई मैंने उसको नॉमिनेट नहीं किया, मुझे आके बोलती है कि आपने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, दी, आई डोंट लाइक दिस वर्ड दी, मैं आपकी दीदी नहीं हूँ, आप मेरे साथ बॉन्डिंग मत करिए, जो मुझे बॉन्डिंग आपके साथ करनी नहीं है, दी दी बोल के पीछे पीठ पे छुरी मारनी है तो मुझे दी दी मत बोलो, इक्वल मेरे साथ कॉम्पिटिशन में खेलो। दूसरा वो हर बात को जब वो टास्क हो रहा था जहाँ पे पापड़ बेलना था, शी ट्राइज टू एक्ट दिस, मेरे पास रबर बैंड नहीं है मुझे रबर बैंड दे दो, फिर देन शी ट्राइज टू से ये पायल तो छोटी बात का मुद्दा बना देती है, छोटी बात जो सनलाइट थी, सनलाइट वाज नॉट अ छोटी बात फॉर मी, तो उसका क्या प्रॉब्लम है कि वो
अपने अनुसार, अपने फायदे के अनुसार बच्ची बन जाती है, अपने फायदे के अनुसार कंपटीशन में आ जाती है। वो कंपटीशन में आई है बिकॉज उसके पास कोई प्लस पॉइंट है, जो फॉलोअर्स है या इन्फ्लुएंसर है, वॉट एवर हर क्राइटेरिया फॉर कमिंग इन टू द शो। बट वंस शी इज कमिंग इन टू द शो, शी वॉन्ट्स टू प्ले हर कार्ड हर वे। पायल, इस अत्याचारी जेल में हर किसी को हक है अपने कार्ड्स अपनी तरह खेलने का। निशा जी, निशा आप जेल की ऑफिशियल मॉमी बन गई हैं। लग रहा है मुझे ऐसा कुछ। विच इज परफेक्ट। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगी जी, कि आप अगर सबकी मॉमी बनी हुई हैं तो सब में एक एक कमी बताइए, जैसे आप हम अपने बच्चों में देखते हैं जो भी है, और उस कमी को आप कैसे उनको सुधारने का एडवाइस देंगी या स्कोल्ड करेंगी। तो मेरा इंटेंशन तो ऐसा नहीं था कि मैं सबकी मॉमी बन जाऊं, बट ऑफ कोर्स आपने ये हुकुम दिया है कि मैं सबका एक एक कुछ बताऊं, तो सबसे पहले अंजलि का। ओके, सो अंजलि का मैं ये कहना चाहूंगी कि अंदर से वो कोशिश कर रही हैं सबको समझने की, बट मुझे भी ये लगता है पायल वाली बात पर कि कहीं ना कहीं शी डज नॉट गेट हर फैक्ट्स राइट, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी थी अबाउट बच्चे एंड बूढ़ों की, तो आई रियली टुक ऑफेंस बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट अ नाइस एंड अ डिसेंट वे टू टॉक लाइक दैट। इवन इफ इट इज अ बैड एस जेल एंड वी आर सपोज टू शो आर ट्रू कलर्स, इट्स नॉट प्लेजेंट टू सी समबडीज कलर इज ट्रू लाइक दैट। सो दैट वॉज, वो बात मुझे बहुत खटकी, बिकॉज वो ये बात नहीं थी कि किसी को बूढ़ा बोला या वो बोला, वो किस इंटेंशन से और किस तरीके से बोला गया था वो मुझे नहीं अच्छा लगा। प्लस पहली बार उन्होंने मुझे आकर बोला था कि यू नो आपने मुझे नॉमिनेट किया, चार्जशीट में डाला बिकॉज मैं बच्ची हूँ, जबकि मैंने चार्जशीट पर जब उन्हें उनका नाम लिया था सबसे पहले मैंने उसकी उल्टी बात बोली थी कि क्योंकि कोई बच्ची है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे चार्जशीट में डाल दें। तो आई थिंक शी नीड्स टू गेट हर फैक्ट्स राइट एंड शी रियली नीड्स टू नो कि कौन उसके प्रो बोल रहा है और कौन उसके एंटी बोल रहा है। और सेकेंड मैं बोलना चाहूँगी पूनम के बारे में, क्योंकि मुझे सिर्फ उनकी एक बात अच्छी नहीं लगी थी, वो प्रिंसिपल वाली जिस तरीके से उन्होंने बोला था, बट लाइक आई सेड आई अंडरस्टैंड बिकॉज शायद उन्हें लग रहा होगा कि थोड़ा मैं उनके स्पेस को एनक्रोच कर रही हूँ या कुछ, बट शी इज़ माई सिजलिंग पू, आई टोटली लव हर एंड शी नोज दैट। मुनव्वर की कुछ बातें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं उन्हें ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। शुरू में मुझे लगा था कि नहीं समझ पा रही बिकॉज जेन्युइनली आई डिडंट नो हिम एट ऑल, बट कभी कभी मुझे लगता है मैं समझ गई, कभी मुझे लगता है अरे ये तो सरप्राइज है। फिर मैंने इसलिए मुनव्वर को बोला था जो भी होगा ना मुनव्वर वो मुझे बोलना कि मैं ये मजाक कर रहा हूँ, मैं ये सच बोल रहा हूँ एंड आई टेक यू ऑन फेस वैल्यू। बट फिर भी मुझे कुछ ऐसे थोड़े थोड़े टाइम एंड अगेन चीज़ें लगती है कि नहीं दिस इज़ नॉट ओके। बट मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी मुनव्वर के बारे में कि जब वो किचन में उस दिन कुछ बना रहे थे टमाटर की चटनी, मुझे बहुत गंदा लगा कि उन्होंने अपनी उंगलियां चाटी, फिर उसी उंगली से वो चालू हो गए मोटर पेसल लेके, फिर से वो कंटिन्यू। नो इट्स माय टर्न, सो अलाउ मी टू कंप्लीट। नहीं, सारा को पता है देयर वाज अ लास्ट टाइम जब उंगली चाटी और राइट से मैं कर रहा था लेफ्ट वाली चाटी और उसके बाद उन्हीं डाली, सारा वाज वाचिंग मी। तो फिर अब क्योंकि उन्होंने ये बोला तो मैं अब आगे भी बोलना चाहूंगी कि अगर हमें इतना टेक्निकल होना है तो अलाउ मी टू गेट वेरी टेक्निकल टू। दिस इज व्हाट ही डिड, ही चाट आउट हिज उंगली, ही हेल्ड द थिंग, ऑफ कोर्स मस्ती होगा तभी तो चाट रहे थे, फिर ये किया, फिर वो गए अपना काम कर रहे थे, तब तक मेरा पराठा मैं खा रही थी और मैं वेट कर रही थी ओके मुनव्वर चटनी बना रहे हैं मैं खाऊंगी। जैसे ही मैंने ये होते हुए देखा I gobbled my remaining paratha. I said, okay, I don't wanna eat it because अब मैं कुछ बोलूंगी तो झगड़ा होगा। उसके बाद सारा ने उनको बोला मुनव्वर आपने ऐसे किया अच्छा नहीं लगा। मुनव्वर ने बोला नहीं वो मेरा लेफ्ट हैंड था, ये मेरा राइट हैंड है। उसी वक्त बोला मैंने। फिर मैंने सारा को बोला ओके अब आप देखना, बिकॉज देन मुनव्वर ने प्लेट टच की, वो निकाली, फिर वो प्लेट से सारा को दिया, मैंने कहा सारा अभी उनका लेफ्ट हैंड था। सो आई थिंक जब हम को एग्जिस्ट करते हैं इसमें मॉमी वाली कोई बात नहीं है, ये एक बेसिक मैनर्स होनी चाहिए कि कोई भी किसी का जूठा नहीं खाना पसंद कर सकता है, और जब आप कॉमन लोगों के लिए बना रहे हैं तो इतनी मैनर्स तो हर किसी में होनी चाहिए, क्योंकि हम भी जब कोई रेस्टोरेंट में जाएं या कहीं भी किसी के घर भी जाएं तो हमें नहीं अच्छा लगेगा कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो, तो ये एक बेसिक कॉमन सेंस है। मुनव्वर आप क्या कहेंगे इस पे? एक प्राइवेट बेडरूम और किचन इनको प्रोवाइड किया जाए क्योंकि लॉकअप जेल है और जेल में हमने तो क्या क्या देखा हुआ है, और आई नो कि वो वैसी जेल नहीं है, कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं है, बट द सेम टाइम मैं जब वो कर रहा था, वो जब मैं वो जैसे जैसे चीज़ें कर रहा था उसी वक्त मेरा लेफ्ट हैंड था जो मेरे बाहर था वो यूज़ ही नहीं हो रहा था और सब कुछ हो गया था एंड मैंने सिर्फ उसको ऐसे हाथ गंदे थे तो हमें उंगलियाँ चाट लेते, वो गंदा जाता नहीं, वो करने के बाद फिर तो आपके हाथ का भी कोई विश्वास नहीं। हाँ हाँ, अगर आप खाना बनाते बनाते तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना मेरे हाथों पे और इतना वो ध्यान दे रहे थे, उतना ही टास्क के टाइम पे ध्यान दे दे तो शायद उन लोग जीत जाए।
ओके तो मैं बस इस बात पर मैं बोलना चाहूंगी कि टास्क में हम पूरी मेहनत करते हैं, अगर हम हार जाते हैं इससे हमारा जज्बा कम नहीं होता, सो इट इज रॉन्ग टू पोक समबडी लाइक दैट, बट ऑफ कोर्स इट्स अ बैड एस जेल, ये उनका ट्रू सेल्फ है, ये मेरा ट्रू सेल्फ है। फर्दर टू व्हाट ही सेड कि प्राइवेट दिया जाए, तो यहां पर मैं चाहूंगी कि जिन भी लोगों को एक दूसरे का जूठा चाटी हुई चीज से प्रॉब्लम है वो अभी हाथ ऊपर करें अपने ट्रू सेल्फ से। तो मैं हाथ ऊपर करती हूँ। So I think आपको हम सबके लिए एक प्राइवेट whatever कर देना चाहिए। ये मेरी अत्याचारी जेल है जी, और मैं खुद डिसाइड करूंगी कि किसे प्राइवेट मिलेगा नहीं जी। मिलेगा जी। और जहां तक आपने बताया मैं तो डेफिनेटली मुनव्वर के हाथ का कुछ नहीं खाऊंगी। और अब आप सारा के बारे में बताइए। मेरे और सारा के बीच में जो भी कुछ होता है वो हम एक दूसरे को उसी समय बोलते हैं, रोते हैं, आर्ग्यू करते हैं, वी हग इट आउट एंड इट्स ओवर। सो आई मीन दिस इज ऑल आई कैन से, वी हैव अ ग्रेट ट्यूनिंग एंड ग्रेट सिंग। साइशु के बारे में मुझे कल ये बात बहुत शॉकिंग लगी जब कुंद्रा आए हमारे जेलर और उन्होंने ये बात बोली कि टीम सपोर्ट नहीं कर रही। बाद में हमने वो बात सॉर्ट आउट की कि उन्हें लगा कि बाद में जब गेम खत्म हो गया तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिला या एक वो नहीं मिला टीम से कि वेल डन। सी अनिशा जी, फॉर श्योर आपकी टीम में एक गाइडेंस मिसिंग है, आपकी टीम में एक जो स्ट्रेटजिस्ट होता है वो मिसिंग है जी। और अगर साइशा ने ऐसा महसूस किया उस दिन जब शिवम खेल रहा था साइशा के साथ में ऊंची है बिल्डिंग के वक्त, मैंने भी ये चीज महसूस करी कि एक स्ट्रेटजिस्ट मिसिंग है, क्योंकि जो खुद को स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं तहसीन जी, आप जब भी आपकी जरूरत होती है टीम को, जब भी जिस दिन आप लोग अकल बड़ी या भैंस खेल रहे थे जी, और जब बुद्धिमंद लोगों को आगे बुलाया गया तो आप जाके वेट उठाने लग गए, और पायल स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त, आप एक अच्छी उनको मात दे सकते थे, उनकी टीम ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, क्योंकि आपकी टीम में कोई स्ट्रेटजी बनाने वाला है ही नहीं। राइट विंग की जो टीम है, चाहे मुनव्वर हो चाहे पूनम हो, ये लोग बहुत ज्यादा बता रहे थे, सिद्धार्थ को भी बता रहे थे कि क्या करो, किस डायरेक्शन में करो, कैसे करो, और आप लोगों के यहाँ से आप तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे पता नहीं कोई शो देखने आए हुए हैं। खासकर तहसीन, मैंने तो आपकी कभी कोई इन्वॉल्वमेंट देखी ही नहीं। अगर आप अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं तो फिर आप क्यों नहीं वो चीज निकाल, क्यों नहीं पाते हैं आप अपने अंदर से? कंगना थैंक यू, जो पहला वाला था कल बढ़िया बहस, मैंने टीम को कहा कि मैं जाऊंगा इंटेलिजेंस टास्क में, मैं जानता था, एंड दिस इज नॉट एन एरोगेंस, दिस इज कॉन्फिडेंस, कि मैं 99.9% आंसर सही दूंगा। दो आंसर्स मेरे गलत थे, हम उनको वेट उठाने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। यहाँ आने तक, बाहर आने तक ये तय हो गया था कि मैं जा रहा हूँ इंटेलिजेंस टास्क में, यहाँ आकर वो चेंज हो गया, एंड इट रियली रियली मेड मी वेरी एंग्री एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड। वो पहली लड़ाई थी मेरी और साइशा के बीच में, कि मुझे कि सडनली एक चीज चेंज हो जाती जो एक स्ट्रेटजी बन चुकी थी, मैं जानता था। लेकिन इसका मतलब आपका दिमाग फ्लेक्सिबल नहीं है, जो स्ट्रेटजी बना के आए हैं ऑन द स्पॉट आप स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। देखिए तहसीन, यू कांट डिफेंड योरसेल्फ, आई कैन डिफेंड, यू हैव बीन, देखिए यहाँ पे जो भी कैदी हैं सबसे ज्यादा वही एंगेज कर पा रहे हैं जो अपना एक कैरेक्टर डिफाइन कर पा रहे हैं। आप अपना कोई कैरेक्टर डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद नहीं जानते हैं आप बिलोंग कहाँ करते हैं, और डेफिनेटली आपकी टीम में एक लीडरशिप की इतनी ज्यादा कमी है, और आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं आपको बोलना चाहिए कि मैं हूँ स्ट्रेटजिस्ट और मैं लीड करूंगा, आई विल टेक क्रूशियल डिसीजंस, और आई नो कि हर एक को आपकी टीम में, चाहे शायशा हो, चाहे शिवम हो, चाहे सारा हो, सबको लीडरशिप की जरूरत है, लेकिन वो आती नहीं है कहीं से। यू हैव द लीस्ट एंगेजमेंट इन द शो राइट नाउ। नो आई एब्सोल्युटली अग्रीड agree with that, but हुआ क्या, अकल बड़ी या भैंस के बाद और दूसरे टास्क के बाद जो मुझे शो का रीकैप नहीं चाहिए। नहीं, आई अग्री विद, मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे फिर से बताइए। No, I'm not giving you a recap. I was very disappointed, especially in Akkal Badi ke Bhais. मैं जानता था वो टास्क में, I should have been head on. I should have said तहसीन, तहसीन, आपको पता है कि लीडरशिप अर्न करनी पड़ती है, लीडरशिप मिलती नहीं है प्लेटर पे, आपको उनका ट्रस्ट, उनका फेथ अर्न करना चाहिए था। इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है कि भाई ये मुझे मौका नहीं देते हैं लीडर बनने का, लीडर बनने का किसको कोई मौका थोड़ी देता है। निशा, you want to continue with next assessment? Shivam, I just feel that he does have bouts of aggression, which we all have. Jaise last time Kundra ne bola, agar aap apne aggression ko direction dein, but I can see a huge growth in his in the way he's directing his aggression. Wo apne task ki taraf aggressive hote hain, wo you know bahut positive hain.
कोई उन्हें चार्जशीट में भी डाल दे तो भी वो उसे पॉजिटिवली लेते हैं. सो आई थिंक दैट्स मेरा ओपिनियन निशा आपसे डिफरेंट है. मुझे लगता है कि शिवम हैज रिग्रेस्ड. शिवम जो है जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था अपना गेम और जिस तरह से खेल रहे थे, धीरे धीरे ये एक डायरेक्शन लेस जोन में जाते जा रहे हैं. इनकी जो अग्रेशन है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है और अग्रेशन को अपने जो भी मोटिव्स हैं उनको दिखा नहीं पा रहे हैं. तो स्क्रीन पे जो ही इज कमिंग अक्रॉस एज समबडी हु इज नॉट इंजॉयबल टू वॉच. तो आई थिंक ये रिग्रेस हुए हैं, धीरे धीरे बोरिंग होते जा रहे हैं. इनके ग्राफ में कोई ग्रोथ नहीं है और जहाँ तक इनकी केमिस्ट्री सारा के साथ है वो फोर्स्ड लग रही है. कहीं ना कहीं पाइलॉन लग रहा है, चिपकू बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो आई थिंक ही शुड होल्ड हिज ओन. शिवम, दिस इज माई एडवाइस टू यू. यू शुड फोकस ऑन योर गेम रिगार्डलेस ऑफ एनीबडी एल्स. आपकी टीम में चाहे लीडरशिप की ही कमी क्यों ना है, लेकिन जब आप फील्ड में हैं और आप खेल रहे हैं तो आपको अपनी बुद्धि और बल दोनों को खुद ही गाइड करना है. तो वो आप कर सकते हैं. एंड यस निशा. ओके सो नाउ बबीता, मुझे लगता है कि हर चीज जो घर में होती है उनका अपना एक ओपिनियन है जो वो अपने दिल तक ही रखती हैं. वो बताती नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं करती हैं. तो मुझे लगता है वो उन्हें थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए. द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू नो कि इस मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है. हु इज बबीता, वॉट शी स्टैंड्स फॉर, वॉट शी फील्स, एंड यू नो शी बींग सच अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड आई फील दैट शी हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट स्पेस. बबीता जी का गेम बहुत इम्प्रूव हुआ है. इन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट स्टिल बबीता जी आप और भी बहुत अच्छा कर सकती हैं. ये मेरा खुद मानना है कि आप में वो क्षमता है. आपका गेम बहुत अच्छा हुआ है पहले से, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को होल्ड बैक कर रही हैं. तहसीन जी, मेरा एक काम करिए, गो गेट अ बकेट. श्योर. ये आप सारा को दीजिए. सारा, ऑल्ट बालाजी ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है क्योंकि गर्मियों का मौसम है. तो सेव वाटर, हम चाहते हैं कि आपके जो आंसू हैं, सारा टियर हार्वेस्टिंग नाम से हमने एक नया इनिशिएटिव ऑल्ट बालाजी ने शुरू किया है. तो आपके जितने भी आंसू हैं वो मुंबई नगरी के काम आएंगे. हम लोग पानी सेव करेंगे. तो आप ये बकेट भर दीजिए प्लीज. I'll remember, जब भी मुझे रोना आएगा मैं ये बकेट लेके खड़ी हो जाऊंगी. ग्रेट. तो आज जिन लोगों पे चार्जशीट लगी है वो है पूनम माई डियर सिस्टर पांडे, पायल लड़ाकू रोहकी, तहसीन बोरिंग पूनावाला, शिवम अलोन शर्मा, शायशा ऑलवेज हर्ट शिंदे, करण बेचारा बोहरा. Always hurt. My dear sister. शिवम, तुम क्यों सन्नाटे में चले गए? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही. Alone हूँ ना. से से? काफी अकेला हूँ, पर अकेला ही काफी हूँ. इतना ही बोलना चाहूँगा लोगों को. अपने ग्राफ को ठीक करने की कोशिश करूँगा. जैसा कि आपने कहा कि पहले तुम चने के झाड़ पे थे, अब तुम सेल्फ पिटी के पूल पे डूब चुके हो. तो मतलब तुम ग्राउंड लेवल पे नहीं रहना चाहते, या तो तुम ऊपर या तो तुम नीचे. मैं, मेरा है ही सिस्टम ही, मैं मेरे को समझ बीच का समझ ही नहीं आता. या तो पाताल लोग या ब्रह्मांड. बट ठीक है, इसको मैं अब कुछ चीज जिंदगी में होती है, इंसान सीखता है. रियलिटी शो में मैं आया हूँ, मैं चीजें यहाँ पे सीख रहा हूँ. मैं एज अ पर्सन इवॉल्व हो रहा हूँ और कुछ चीजें अपनी तरफ से इनिशिएट करता हूँ करने की. बट ठीक है. देखिए शिवम, आपको एक बात समझनी चाहिए, ये बैड एस जेल है, इसमें आप अपना चरित्र निकाल के दिखाइए. लेकिन किसी और की जो प्राइवेट स्पेस है या उनके जो पर्सनल इंटीमेट जोन होती है ना, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते. उसमें आप चाहे कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करिए, आप अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं. आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. मैंने तो सबसे अलग ही हो चुका. मेरा बेड भी आप देखोगे, सबसे कोने में रहता हूं मैं अलग. ये लोग सारे एक साथ रहते हैं. अगर आप देख रहे हैं शो तो आप तो देखिए, वो भी एक एक्सट्रीम है कि अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं. बात वो नहीं मैम, वो अपने खुद की गेम समझने के लिए भी मैं कहा चलो थोड़ा सा गैप देता हूँ. शायद उसको बुरा, उनको बुरा लग रहा होगा, तो मैं कहा दूर ही रहता हूँ थोड़ा सा. अब एक हफ्ते से मैं अलग ही रह रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है. शिवम, बट ये आपकी गेम, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है.
आप एक नेगेटिव जोन में जाते जा रहे हैं और आप उस रिजेक्शन को अपना इंटायर बिहेवियरल पैटर्न बना चुके हैं. उसी के ही विद रिस्पेक्ट टू दैट आप हर रिएक्शन आपका हर चॉइस आपकी विद रिस्पेक्ट टू दैट हो रही है. अंडरस्टैंड, आपने अपनी वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बना ली है तो उसमें जो है आप अच्छे उभर के नहीं आ रहे हैं और डेफिनेटली विनर तो बन नहीं सकते. हाँ तहसीन कहिए. कंगना जो शिवम कह रहा है मुझे एक चीज कहनी है कि कम से कम टीम ने और मैंने स्वयं 3 बार शिवम को कहा है पर्सनली यू कम एंड यू स्लीप विद अस, आप मेरे बाजू में सो, सो एटलीस्ट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस. आप यहाँ पे क्या कोई गठबंधन कराने आए हैं किसी सरकार का? जब भी दो लोग लड़ने लगते हैं आप शांत हो जाओ, जब भी दो लोग की बहचर्या तुम शांत हो जाओ, जब भी कुछ कुछ होने लगता है हम शो में क्या शांत होने आए हैं क्या? बाहर गठबंधन होने लगा तो आप उनको शांत करा दी, गठबंधन कर लो अपनी सरकार का. ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पे कोई सरकार नहीं बन रही है. बट ये तो टीम का मेंबर है ना, विनर होगा, कोई सरकार नहीं होगी. बाहर तो हो ही नहीं रहा है. आपकी अभी आजकल एक नई बायो मैंने सोची है. अच्छा बोलिए. तहसीन बोरिंग बोरिंग क्रेडिट टेकर एंड इरिटेटिंग. ओके डन बट स्टिल फर्स्ट लॉक का पार्टिसिपेंट. So, बबीता जी के हाथ के पराठे किसको पसंद नहीं आए? वो सिर्फ तहसीन को पसंद. वो सिर्फ हाँ तहसीन जी. हाँ किसको पसंद नहीं आए बबीता के बनाए हुए पराठे? ठीक लगे अंजलि को. हाँ अंजलि को. हाँ. आप वीडियो में चेक कर लेना. आपको ठीक लगे? मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने उनको थैंक यू कहा. अंजलि आपको अच्छे नहीं लगे? ठीक लगे. बबीता जी के साथ बैठ के खाए हैं मैंने. पूछो बबीता जी से. बबीता जी देखिए मुझे सभी ने अच्छा बोला था. Exactly. तहसीन साथ में सब तहसीन भाई ने मुझे आके जो बोला था मुझे इतना ही बोला था कि उन्होंने ये बोला है कि मैंने कहा कि बबीता जी ने पराठे अच्छे बनाए हैं और उन्होंने कहा कि ठीक बने हैं. ठीक. और मैंने कहा कि मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैंने अपनी जिंदगी में पराठे जिनको बना के खिलाए हैं या बनाना सिखाए हैं आज तक किसी ने बुरा नहीं बताया. yes. तो मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है कि मैंने पराठे अच्छे बनाए, चाहे किसी को अच्छे लगे हो या नहीं लगे हो, मैंने बनाए हैं अपने मन से बनाए हैं, बेस्ट बने हैं. मैम मैंने अपना एक पराठा बनवाया था, उल्टा मैम मैंने 2 पराठे खाए वहाँ पर बैठ के, मैं पूनम बबीता जी साथ, हमने चटनी भी वहाँ पे कूटी. आई डोंट नो कब इन्होंने सुना, मैं तो इनके साथ बैठी भी नहीं उस दिन. आप क्योंकि आप वीडियो देखते हैं कंगना, प्लीज वॉच इट. एक बार मैंने दोबारा से उसको पूछा अच्छे बने, उन्हें दोबारा से रिपीट किया ठीक बने हैं. आई एम एब्सोल्युटली स्पेसिफिक, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं ये भी कह सकता था बुरा बने. उन्होंने मैंने रिपीट करते पूछा सवाल. तीनों साथ बैठ के खा रहे थे. ठीक है वीडियो देख लीजिए. ये तू मैं का विषय मैं नहीं करना चाहता हूं, बट शी यूज्ड द वर्ड सो आई एम सेइंग इट अपफ्रंट. अब आगे बहुत कुछ होने वाला है, आगे की स्ट्रेटजी बनाइए सब कैदीज. आई विल बी बैक. थैंक यू. दिमाग के साथ खेल रहा हूँ. नॉट द टीम. अंजलि के दिमाग के साथ. नॉट द टीम. सबके 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 अपोजिट सब के जो सोचना है सोचो पूनम. मैं बार बार अपने आप को तेरे को बोला कि और बेबी मेरे को बेबी उन्होंने बोला कि अंजलि के दिमाग के साथ खेल रहे. तेरे को लगा मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ. अरे सारी बारे मुनावर की जो मुझे भी आकर बोला अरे ये अरे भाई अरे आई वांट टू फक ऑल दैट मैन रियली. जो पूरी टीम में बात करते हैं ना तो मुझे पता है इसकी दोस्ती तुम्हारे साथ अच्छी कितनी है, तो मैं उसको कुछ ऐसी चीज नहीं बोलूंगा जो तुम्हारे खिलाफ. आई एम प्लेइंग विद द माइंड्स. It doesn't mean कि मैंने बोला mention नहीं किया कि ये team वो team. Obviously इन लोगों के mind के साथ she said. I want to stay away from them completely. After whatever happened, at least you know true faces are coming out. I'm glad. I'm really glad. Actually. I'm glad. Yeah. True. मैं पूरा time team करते रहता हूँ. I'm playing with them. I'm on the face. I'm playing with their mind. You also. Know that. पूनम आई कम टू यू मेनी टाइम्स. है तू टाइम के तू टीम के लिए खेल रहा है. मेरे भाई मेरे को पता है उन्होंने दिल नहीं बोला. इसने उन्होंने दिल नहीं दिमाग बोला. पर सबके दिमाग के साथ. यस ऑपोजिट टीम. आई कैन क्लियर यू कैन आस्क मेनी टाइम्स. कैन आई ट्रस्ट यू ऑन दैट? यस मेनी टाइम्स. आई हैव शेयर्ड विद यू मेनी टाइम्स. दैट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. तेरे साथ तूने कोई शेयर किया? जो चीज पे तुझे अपसेट होना चाहिए वो अपसेट क्यों हो रहा है? शी इज 20. You can't suggest someone doing one side of attraction with you. गलती हो गई इससे मैंने ये बात की. और एक्चुअली जैसे जब शो आगे बढ़ता गया आई माई सेल्फ फेल्ट कि दिस शो इज फ्रिकिंग ऑर्गेनिक. देयर इज नो नैरेटिव आउट हियर. यहां पर कुछ नहीं. इट्स ट्रू.
यहाँ पर कुछ नहीं. I'm glad this came out. I'm really glad this came out. बहुत बच्ची है ये. कैसी लगेगी कि जिसके बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, और ये क्या दिखेगी फेक करके. This is the reality show. And he shouldn't be angry with her. What is this? क्या truthful है इसमें यार. Fucking bitch. Bitch it out. That amazes me. And after 15 days, when you know that everything is after being seen and days. Going out and it'll be bought up and you bitch it out on a Thursday or Friday, so it comes up on a Saturday. Good. Shows who the person is. Just shows who the person is. मैंने दो घंटे पहले इसको बोला है अंजलि एक चीज से मैं तेरे से डिसअपॉइंट हुआ तूने उस वक्त मना क्यों नहीं किया दो घंटे पहले तू मना क्यों नहीं की तभी रिएक्ट ही नहीं किया मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया मैंने उस चीज को बढ़ावा ही नहीं दिया ओके तो मैंने उसको बोला कि स्टार्ट अ फेक नैरेटिव ओके बट नॉट फ्रॉम माय इट वोंट कम फ्रॉम माय साइड व्हाटएवर इट इज आई डोंट आई टोल्ड हर आल्सो इट वोंट कम फ्रॉम माय साइड यू गेट फ्रॉम योर साइड बी नाइस इट विल बी अ डिफरेंट नैरेटिव बिकॉज़ आई नो व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ व्हाट डिड शी डू शी सेड यस शी सेड ओह She said yes. Oh, so that's what. This is what is hurting me. Tell me on my face. Oh. What are you telling Munawar? What are you telling others, man? Face pe bolna yaar. Ki mujhe nahi karna. To main respect. Main bola okay. Appreciate. I will not. Oh my. Oh. मुझे आने में थोड़ा time लग गया क्योंकि मैं करण और तहसीन की बातें सुन रही थी. करण क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कंगना. ना अगर वो fake narrative था वो. लेकिन इसका अक्नॉलेजमेंट दिया उसने मुझे यस. मुझे इस बात का दुख है कि आके 15 दिन बाद मेरे फेस पे बोलो ना आप दूसरे को जाके क्या बोल रहे हो. मुझे इस बात का दुख है. सो यू हैव अग्रीड आई हैव टू गिवन द आइडिया इट इज एन आइडिया बट यू अग्रीड टू द आइडिया टू एग्जीक्यूट इट. करण दैट वाज नॉट अग्रीड और मैंने ये नहीं किया था. आप ये वीडियो नहीं किया देखते, था अगर आप वीडियो देखते तो आपको स्माइल You cannot deny it. I'm sorry. Oh my God! Why you are you defending cannot, yourself? I'm not defending. I'm surprised. You cannot deny it. Your face was like done. Oh my it God! It was a proper affirmation. Yes. See. You could not say yes. Karan you could listen. Not speak Karan because listen. You were so silent. You said this. Anyway, you can say what you want. This is what I know. And everybody, agar aap, naturally, exactly everybody knows. Ab aap dikhaoge, you will see your expressions. Okay, fine. करण लेकिन वो आपकी असलियत निकालने के लिए कोई भी एक्सप्रेशन दे सकती हैं. Exactly. एक्सप्रेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. Fair enough, कंगना, I'm not जिन कैदियों no. पे चार्जशीट लगी है जिनका चार्जशीट पे नाम है 6 कैदी सामने आए. हमारी जजमेंटल जनता ने कर दिया है अपना फैसला. 6 चार्जशीट लगे हुए कैदियों में से किसी एक को जजमेंटल जनता ने अपनी वोटिंग से बचा लिया है. सेफ कैदियों में आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको क्या लगता है किसको सबसे कम वोट्स मिले होंगे. तहसीन मुनव्वर आपने करण को बहुत लेट भेजा था. उनके फैंस के पास शायद 2 ही दिन थे उनके लिए वोट करने के लिए. हाँ. तो आपका क्या कहना है? जिस तरह का गेम प्ले किया है लास्ट 2-3 टास्क में करण भाई ने तो डेफिनेटली मुझे लगता है उनके फैंस काफी एक्साइटेड होंगे कि आगे उनको बहुत देख सके. तो ये तहसीन मुझे लगता है. निशा जैसे अभी आपने कहा कि एंगेज वो कम कर रहे हैं तो मुझे भी तहसीन इस वजह से लग रहे हैं. तो चलिए हमने ये तो सुना कि सबसे कम किसे मिले होंगे लेकिन आप लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा किसको मिले होंगे? आई थिंक साइशा वो टास्क वगैरह जो करती हैं उनमें वो बेहतरीन परफॉर्म करती हैं और करना चाहती हैं और आई थिंक वो विजिबल है सब में एंड वो बहुत स्पोर्टिंगली हर चीज़ को लेती है. सो व्हेन वी गाइस वर परफॉर्मिंग इट वाज टू बिल्ट अप मैन अगेंस्ट अ वुमन लाइक स्टैंडिंग देयर सो इट वाज लाइक कम्प्लीटली लाइक यू नो आई कैन अपलॉड टू इट. साइशा आपको क्या लगता है आपको पब्लिक ने सबसे ज्यादा वोट दिए होंगे? I hope so. मैं बहुत खुश होंगे कि अगर वो सच हो तो. बबीता जी आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा वोट किसको मिले होंगे? पायल को मुझे लग रहा है उनकी फैंस फॉलोइंग भी अच्छी है और जिस तरह से उन्होंने अपनी वो बातें रखती है प्लेटफॉर्म के ऊपर उस हिसाब से मुझे लग रहा है और जिस तरह वो खेली है शायद पायल. मुझे इस हफ्ते सबसे अच्छा खेल जिसका लगा अगर मैं वोट देती तो मैं किसको सेव करने के लिए वोट देती? वो है पूनम और पब्लिक ने भी उन्हीं को ही सेव करने के लिए वोट दिया है.
लेकिन पूनम मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। थैंक यू। आपको जो टास्क दिया था आपने अच्छी चीते की चाल चली और बिल्ली की ढाल से वो टास्क किया, लेकिन जैसे ही वो पूरा संपन्न हुआ उस पर ही आप इतना खुश हो गई और जो डिलीवरी थी उसकी उसमें पूरा आपने एक ओवर कॉन्फिडेंस इतना आ गया आपको कि वो हो गया। दैट इज वन आई वुड से। एंड सेकंड चीज, आप अपने पास्ट में बहुत ज्यादा स्टक हैं। आपकी कॉन्डक्ट है, आपकी पर्सनैलिटी है, ऐसा लगता है कि वो इंसिडेंस, वो हादसा या वो एक बुरी दुर्घटना जो है आपको डिफाइन कर रही है। तो मुझे लगता है आप में बहुत पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि आप जो बहुत अच्छा कर सकती है इस गेम में अगर आप उस फ्रेम ऑफ माइंड से स्नैप आउट होंगी। तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल में टैप इन कीजिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगी। प्लीज गो टेक योर सीट। यस मैम, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस पूनम, आप सेफ हैं और इससे अच्छा बर्थडे प्रेजेंट आपको नहीं मिल सकता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑडियंस का जजमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले हैं वो तो बता दिया, मगर इस बार जजमेंटल जनता के फैसले के दो पहलू हैं। एक पहलू जिसमें पूनम सेफ हो गई और दूसरा जिसमें लोएस्ट वोट वाला कैदी अभी इसी वक्त लॉकअप से लॉकआउट हो जाएगा। क्या हुआ करण? रेडी फॉर एनीथिंग। डर लग रहा है? नहीं। मुनव्वर, तुम्हारा क्या सोचना है? मैंने यही सोचा था कि दोनों लोग केवी भाई और पूनम में, मैंने यही सोचा था कि सबसे ज्यादा वोट केवी भाई को आएंगे, बट वो दो दिन लेट चार्जशीट में गए थे तो आई वाज वेरी श्योर कि पूनम है, बट सेकंड हाईएस्ट आई फील केवी भाई होंगे। तो गए नहीं थे वो, खुद आपने डाला था। जी जी, हाँ हाँ, जो मैंने डाला तो मुझे लगता है सेकंड हाईएस्ट वो होंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो नहीं। शिवम जी, आपको क्या लग रहा है? केवी भाई ही होंगे या फिर पायल रौदगी जी, उनको भी मिल सकते काफी अच्छे वोट्स। और सबसे लोएस्ट? तहसीन भाई। आपको कॉन्फिडेंस है आप नहीं जा रहे? नहीं मैम। चलो कहीं तो दिखाया कॉन्फिडेंस तुमने पिछले हफ्ते से, तुम थोड़ा डाउन ही फील कर रहे हो। शायशा, आप सबसे ज्यादा शॉक थी, क्या लगता है आपको लोएस्ट वोट आपको भी मिल सकते हैं क्या? हाँ, मुझे अभी अंदाजा नहीं है क्योंकि ऑडियंस कुछ भी डिसाइड कर सकती है, सो वी डोंट नो। पायल जी, आपको लगता है आपको भी लोएस्ट वोट मिल सकते हैं? मुझे लगा मुझे हाईएस्ट वोट मिलेंगे क्योंकि मैंने अपना गेम अप किया है, मुझे पता है कि मेरे पीपल है जो मुझे पसंद करते हैं एंड मैंने उनको बोला है आई एम इन दिस शो, आई वांट टू बी इन दिस शो, मैं अभी ये शो को समझने लगी हूँ, मेरा वो जो हाइबरनेशन पीरियड था वो खत्म हो गया है, दिमाग थोड़ा चलने लगा है, सनलाइट भी आ गई है, तो मैं इंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे एक्चुअली लगा मुझे हाईएस्ट वोट मिलेंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर पूनम जी दैट शी गॉट द हाईएस्ट वोट, आई डोंट थिंक मुझे लोएस्ट वोट मिले होंगे। तहसीन जी, क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे लोएस्ट वोट मिले ये, बट यहाँ जो आपका ओपिनियन सुना, अगर मैं रह जाता हूँ शो में आई विल डेफिनेटली वर्क अप ऑन दिस। किसको मिले होंगे लोएस्ट वोट्स आपको क्या लगता है? शिवम को 100%, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी स्पेस में जा रहा था जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए, अपने आप को वो एक कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश कर रहा था रियलिटी ने, मुझे ये लगा। शिवम, तहसीन की बात पे क्या कहेंगे? मैम, उनको खुद की गेम का तो पता नहीं है, वो जब उनको मूव जो हमारा चैलेंज था ऊंचे बिल्डिंग वाला, उसमें जब इनकी बात नहीं चलती है तो कुत्ते जैसा मुंह बना के बैठ जाते साइड पे, इनके खुद का तो इनको खुद का गेम तो इनका है नहीं है, तो मुझ पे मुझे उल्टा बोलते हैं, अपनी गेम और पे थोपने की कोशिश करते हैं ये, तो मुझे लगता है ये जब आपके, बहुत जब आपके आर्ग्यूमेंट में तर्क नहीं होता ना कंगना, आप गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, कुत्ते जैसा मुंह, दैट जस्ट शोस ही कैन नॉट आर्ग्यू ऑन अ सब्सटेंशियल पॉइंट। बात वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको ये भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता, सपोर्ट करना चाहिए था, यू वर द ओनली पर्सन हु सिटिंग, सारा भी सपोर्ट कर रही थी और निशा मैम तो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, आपको मैंने देखा था, आपकी शक्ल ऐसी बनी हुई थी, अगर मैं बिल्ली जैसा मुंह लगाऊंगा, मैं किस देखा था मैंने, पार्ट पे टीम को सपोर्ट करूं, मैंने पूरा देखा था, झूठे पे देख रहा था, तब मैं बोला नहीं था, मतलब आप हर्ट होते हो, आज मैं आपकी मुंह बोल रहा हूं, आप हर्ट होते हो, अरे डिस्क्वालीफाई हो गए, आपकी जब नहीं चलती तुम्हारी वजह से टीम डिस्क्वालीफाई होगी, आपकी वजह से टीम डिस्क्वालीफाई होगी, जब भी कोई टास्क होता तुम अपनी शायरी कहते हो तो कैमरा के अंदर थर्ड ग्रेड एक्टर की तरह तुम टास्क करो ना, शायरी कह रहे हो, डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, डिस्क्वालीफाई होने के आए हो क्या? अगर मैं अगर दुखी हूं तो तुम कम से कम टीम को जिताओ, मत करो ना, अपने पहली बार व्यूज सुना करो, साइशा इतना अच्छा बोलती है उनको तुम व्यूज दबा देते हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कह रहे नहीं हो आपके वर्ड, इसलिए तुम कॉर्नर में से हो, व्यूज मेरे दबे हो इसलिए तुम कॉर्नर में से हो, मैं गया ना अपनी मर्जी से गया, अब जब कहने का शौक नहीं है, भीड़ में नहीं रहता मैं। तहसीन, या यहां पे भी आपका एनालिसिस गलत हुआ है, आपको मिलते हैं सबसे लोएस्ट वोट्स, ओके, और आज आप इस लॉकअप से लॉकआउट होते हैं, ठीक।
मगर इसमें एक ट्विस्ट है। अगर आप इनमें से किसी एक कैदी को अपना सीक्रेट देके जाते हैं तो आप उन्हें सेफ होने का एक मौका देंगे। क्या आप इनमें से किसी एक को बचाना चाहेंगे? पहले ये बताइए, क्या इनमें से ऐसा कोई है जो बचाने लायक है आपके लिए? Definitely. कौन? साइशा या पायल, but साइशा for sure because I got very close to her. I really love her and she's become a friend and yeah, I'm going to always be in touch with her. So definitely, I'd always want to keep her safe in that sense. So are you willing? आप अपना सीक्रेट शायशा के लिए रिवील करना चाहेंगे? बिल्कुल। लेकिन आपके साथ शायशा को भी अपनी एक सीक्रेट रिवील करनी पड़ेगी। Sure. शायशा, you agree? Yes. इससे आप अभी के अभी सेफ हो जाएंगे। गार्ड्स, गेट द कॉन्ट्रैक्ट्स। I can use his in the future. Sir, आप साइन कीजिए कार्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट शायशा को भी दीजिए। तहसीन, आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़िए, उसमें आपका एक सीक्रेट लिखा हुआ है और इस सीक्रेट को आप सबको बताइए। भारत के एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे एक ऑफर दी थी तो मैं उनकी पत्नी के साथ सो, और उसके लिए उन्होंने मेरा पूरा नाइट क्लब उस दिन वीकेंड के लिए बुक किया था, सैटरडे नाइट के लिए और संडे नाइट के लिए। और उनकी ये शर्त ये थी कि जब मैं उनकी पत्नी के साथ सोऊंगा वो उसे देखना चाहते हैं। Did you do it? Yeah, I absolutely did it. Did you enjoy it? Yeah, I absolutely. No, no, I'll tell you, I did. I did. I don't care. I did. He was watching. I don't care. I enjoyed it. No, no, but he was at a distance, huh? Okay, he was not good. Close by. He was only watching. Only watching, no touching. He was only watching. So, I didn't care. He was watching, no touching. So, did you do everything he said? So, okay, this is how it went. Yeah. Meri ek shart thi usme ke he will not touch or intervene. It was not a threesome. He would only watch at a distance and yeah. He had certain fantasies which I played out for him and his wife played out for him. He, and I don't mind even sharing that because there's nothing wrong. He wanted me to treat his wife like my property and he wanted to watch and enjoy the experience and I didn't care about it. So, yeah, he watched it. Does your wife know about it? Aapki wife janti hai kya is baat? Yeah, she knows about it. This was before marriage. In fact, when I started dating her, I told my wife about this. It is one of India's topmost industrialists. And quite honestly, it was very shocking for me that unhone kaha. There was a build-up to this. Main usme itna detail agar, I don't want to go into it. But it was an experience I enjoyed. And yeah, I don't regret it one bit. I don't. Shaisha, aap apna secret batana chahenge? Yes. I was molested at the age of 10 by someone from my family itself, like within my family. Aur maine bahut saalon tak wo socha ke who from your family? I can't name that. I can't. Lekin aapka kya relation tha unke saath? Close family person hai, par ye issue ye tha ke wo mere se kuch saal hi bade the. To sawal ye uthta tha ki agar wo mere se kuch saal bade the to kya wo molestation hua? Kyunki main 10 की थी और वो बस कुछ साल बड़े थे, लेकिन कुछ सालों बाद इस टॉपिक के ऊपर देखने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद, ये एक्सेप्ट किया मैंने कि हाँ वो भी मोलेस्टेशन ही था, और जिसकी वजह से आपने उन्हें कन्फ्रंट किया? नहीं, और कन्फ्रंट इसलिए भी नहीं किया क्योंकि इतनी छोटी उम्र में यू गेट टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट एंड यू डोंट नो वेदर इट इज प्लेजरेबल और नॉट एंड यू आर जस्ट इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो काफी सालों तक ऐसे लगा कि शायद मैंने भी कुछ उनको ऐसे हिंट्स दिए होंगे कि शायद उनको लगा कि ये सही है, तो इसलिए मैंने। आप उन्हें अब कॉन्फ्रंट करना चाहेंगी? नहीं, क्योंकि ये बहुत पर्सनल इंटरनल फैमिली मैटर है जो जो मैं
पोस्ट अब क्योंकि ये बात यहाँ आई है तो ऑब्वियसली उनको पता ही चल गया होगा कि ये उनके बारे में बात है, तो मैं प्रिफर करूंगी कि मैं पर्सनली उनसे ये बात करूं। और एक चीज, स्वप्निल और साइशा बहुत अलग इंसान है, साइशा ये बातें करती है और करेगी, बट बिकॉज ये एक फैमिली मैटर है मैं इसे पब्लिक में डिस्कस नहीं करूंगी और उनका नाम तो कतई नहीं लूंगी। तहसीन जी, आज आप लॉकअप से लॉकआउट होते हैं या। लेकिन आप मेरे लॉकअप के नहीं लेकिन साइशा के हीरो आज डेफिनेटली बने हैं। थैंक यू। उन्हें इमीडिएटली सेव करके एंड यू आर लिविंग ऑन अ वेरी गुड नोट। आज आप लॉकअप से लॉकआउट होते हैं। थैंक्स गणेश, गॉड ब्लेस। थैंक्स, थैंक्स पायल। साइशा आप अपनी जगह ले लीजिए। एक मिनट, सबको मिल लेता हूं। अरे व्हाट आर यू क्राइंग फॉर? यू डोंट नो। ओह नो, यू गिव मी द बाल्टी। बबीता जी आप वहां पर भी हैं, आप जाकर हमारी जीत का जश्न मनाएं। सी अंजलि, ठीक है, सी ब्रो, वेल प्लेड। आई एम सॉरी यू आर लीविंग। आई, दैट्स लाइफ, वन हैज टू गो, राइट? आई डिडंट वांट टू डू दैट, दैट्स हाउ इट इज। डिडंट वांट टू डू दैट, हाउ इट इज। गॉड्स, चलो, थैंक्स कंगना, नाइस मीटिंग यू। सी यू टेज, सी यू। See you. See you. See you. See you. See you, miss you. Bye, Tehsin. Tehsin bhai, see you bhai. Milte bhai bhai. All the best. Let's meet outside. Payal Shivam Karan, judgmental janta ne aapko nahi bachaya. Lekin judgment abhi khatam nahi hui hai. Aap tino pe abhi bhi charge sheet lagi hui hai. Aur aap tino mein se koi ek aaj lockout hoga. Thoda digest kar lo jo yahan pe ho raha hai. I will be back. Why you are thinking कि शिवम जाएगा? लगता है ना? नहीं लगाना है। क्यों लगाना है? Positive सोचो। इसमें positive negative की बात नहीं है। नहीं। It's not that I want that. मैं तो नहीं चाहती हूँ कि वो जाए। मैं तो नहीं चाहती थी कि टीम भी जाए। शिवम नहीं जाए। ठीक है, तो पता ही था। So you think that? उसका तो obvious था जाना। कैसे यार, कैसे कर सकता है ऐसे ब्रो? लेकिन दैट्स अ सीक्रेट ना बाबा। ब्रो व्हेन यू नॉट इन लव यू आर सिंगल, यू डू इट, व्हाट्स रॉन्ग मैन? इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर इन लव एंड इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, यू डू दिस, दैट इज अनएथिकल। आई वुड नेवर डू दैट। इफ आई एम सिंगल, आई वुड डू इट। आई एम रियली सॉरी यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस बिकॉज़ ऑफ मी। सॉरी, आई नो इट्स डिफिकल्ट टू फॉरगिव मी। सॉरी मत बोल। डिफिकल्ट टू फॉरगिव मी। सॉरी मत बोल। सॉरी मत बोल करके मेरे साथ सॉरी मत बोलना, मेरे साथ। ठीक है, आई नो, बट मैंने सोचना चाहिए था, गलती हुई है। नहीं नहीं भाई, जब करेगा ना सॉरी मत बोलना आगे, अगर रहा तो। अभी तो इस अत्याचारी जेल में बहुत अत्याचार होने बाकी हैं। कहा था ना कि मेरी जेल सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड की एक रिफ्लेक्शन है, फुल ऑफ शॉक। हिला दिए ना सबको। अभी एक कैदी को और सेव किया जाएगा। कैसे? सिद्धार्थ बताओ। कॉइन से मैम। सिक्के तो पिछले हफ्ते किए थे ना, तो इस हफ्ते कुछ और करते हैं। आज मेरा कुछ और करने का मूड है। आप लोग एक एक करके आइए और अपने वोट्स पेपर पे लिखकर बोल में डालिए। प्रॉपर इलेक्शन करते हैं, लेकिन ये सीक्रेटली होना चाहिए। गार्ड्स, करण, शिवम, पायल, आप खाली बेंच पे जाके बैठ जाइए। सब लोग एक चिट पे जो कैंडिडेट को बचाना चाहते हैं उसका नाम लिखिए और फोल्ड करके उसे तासले में डाल दीजिए। साइशा, स्टार्ट।
दे दिए. मुनव्वर, पूनम, अंजलि, क्या प्लानिंग चल रही है? सारे हफ्ते प्लानिंग हुई है, अभी तक चल रही है. किसको अंदर रखना चाहिए, किसको बाहर रखना चाहिए, पूरी स्ट्रेटेजाइज हो रहा है. पहली मेरी प्लानिंग है जिसमें पायल का नाम ही नहीं लिया हमने. ना रखने में ना निकालने में. हम लोग शिवम 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 चल रहा था क्योंकि हमको लग रहा है कि करण भाई और पायल में से पायल जाए, ऐसा लग रहा होगा. या कुछ करण भाई से अग्री शायद अभी अंजलि और नहीं कर रहे, बट मैंने ये भी डिस्कस किया कि मैं करण भाई के लिए करूँगा बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अप फॉर हिम. और मैंने दोनों को कन्विंस करने की कोशिश की करण भाई के लिए, बट तीनों शिवम बोल रहे थे. मैंने जो मुझे ठीक लगा Guards, वो कर दिया. एक लाइटर लाइए, माचिस लाइए और इसमें आग लगा दीजिए. इस प्लानिंग का कोई फायदा नहीं हुआ जो आप लोगों ने सारा हफ्ता की. मैंने कहा था कि ये जो मेरी जेल है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. जैसे कि जिंदगी होती है अनप्रिडिक्टेबल, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है. मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज. तो वही हो रहा है. तो अच्छा रहेगा कि ये प्लानिंगें जेल में ना की जाए, अपनी गेम पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए. Payal, can I say so? Sorry. Over here, nothing. Munawar, if I stay back, I'll make your life hell. Trust me. You have got on my bad books really bad. Life is not a joke now for you. Trust me. Mazak karna band kar. Ye show tera show nahi hai. You are just a contestant. You don't run the show. Baaki tere katputle honge. Main teri katputli nahi hu. So Payal ka naam japna band kar. Life is beyond Payal. Shuruaat mein bhi Payal. Jhol ghar mein bhi Payal. So life is more than Payal Munawar Faruqi. Ye episode ke baad game khelenge. Abhi yahan pe kuch ho raha hai. Respect that. Just you took my name. I did not take your name. Tino charged kaidi. आगे सामने खड़े हो जाएं, अपनी जगहों पे वापस. इनके सामने बजर्स रखे जाएं. निशा और करण, आप दोनों ने अपनी भावनाओं में बहके अपने सीक्रेट यूं ही रिवील कर दिए थे बिना मतलब से. याद रखिएगा, आप लोगों के पास सिर्फ दो सीक्रेट हैं और जब वक्त आएगा तो वो आपके लिए जैसे एक जमा पूंजी होती है उस तरह से काम करेंगे. तो उन्हें ऐसे मत वेस्ट कीजिए. वो उनमें वो ताकत है कि आप सेव हो सकते हैं. और आपको सिर्फ दो ही मौके मिलेंगे. वो सीक्रेट्स यहाँ वहाँ ऐसे ही बड़बड़ाते और बड़बोले बन के मत वेस्ट करिए उनको. लेकिन करण और निशा, आप दोनों अपना एक एक वो मौका गवा चुके हैं सीक्रेट शेयर करने का. आप तीनों के पास अब एक मौका है खुद को बचाने का. और पिछली बार कैदियों को ये ऑप्शन दी गई थी कि आप सीक्रेट रिवील करना चाहते हैं या नहीं. लेकिन इस बार जो कैदी सबसे पहले बजर दबाएगा सिर्फ उसी को सीक्रेट रिवील करने का एक मौका दिया जाता है. और एक बार बजर दबा दिया तो देर इज नो गोइंग बैक. आपको सीक्रेट रिवील करना ही होगा. तो सोच लीजिए कि बजर दबाना है या नहीं, सीक्रेट रिवील करना है या नहीं. और अगर बजर दबा दिया तो सीक्रेट रिवील करना ही होगा. तो मैं काउंटडाउन दूंगी और जो सबसे पहले बजर दबाएगा सिर्फ उसी को ये मौका दिया जाएगा. कर दो काम बाबा, वोटिंग आपकी कल ही नॉमिनेट हो आप. मेरी एक हफ्ते से चल रही वोटिंग देख के. तो अभी मैं काउंटडाउन शुरू करने वाली हूं. 5 4 3 2 1. हमें फुटेज चेक करनी पड़ेगी किसने बजर सबसे पहले बजाया. मैं लौट के आती हूँ. आई विल बी बैक. यू नो इट, वी नो इट. नो नो, वेरी मच पॉसिबल. यू आर स्ट्रॉन्ग. वेरी मच पॉसिबल. बिकॉज़ ऑफ लास्ट नाइट यू थिंक? बिकॉज़ ऑफ लास्ट नाइट. इफ एनीथिंग लाइक दिस हैपेंस इज गोइंग टू हैपन ओनली बिकॉज़ ऑफ लास्ट नाइट. आई वाज ट्राइंग टू टॉक टू यू बट यू वर नॉट लिसनिंग. It's really trying hard. It's okay. Everybody's got their weak moments. Yes. But I was really trying to, you know, I did stop when you mentioned TJ's name. I did stop. If they want to use that moment, it's okay. I doesn't care. What he just said. What? You all three were discussing and you all both said Shivam and he said... I put your name.
So why are you saying? Why is he saying? I put your name. Why is he saying like this? She put Shivam's name. I put your name. No. Why is he putting it that way then? I had put your name with capital K. No, but he is saying. He said that right now. कैसी plan है? अंजलि ने शिवम का नाम डाला है वहाँ पे वो लोग आए थे हम लोग दोनों को बोला उसने कि तुम लोग शिवम का नाम He said openly कि तुम दोनों ने शिवम का नाम डाला है मैंने केवी का डाला because I wanted to prove myself मुनव्वर Don't tell me you didn't hear it I did not boss मैंने इसका नाम डाला है तू वहाँ पे जाके मैंने भी करण डाला तो तू क्यों बोला इन दोनों ने शिवम का डाला मैंने कब अंजलि ने शिवम का डाला मैंने तो बोला कि हम तीनों प्लानिंग कर रहे थे और मैंने केवी का डाला ये लोग दोनों शिवम बोल रहे थे पहले हाँ बट फिर बाद में इन्होंने बोला कि नहीं किल अब देखो इट्स ऑलरेडी बर्न्ड बट हाँ मैं कैमरा पे वन थिंग आई एम सॉरी कूनम आई कांट डू इज ट्रस्ट एनीबॉडी आउट हियर इफ ही सेड समथिंग आई विल गो बाय व्हाट ही सेज सब अपनी जगह पे आ जाइए पायल करण शिवम में से बजर सबसे पहले किसने दबाया इसके रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं लेकिन आपको अभी नहीं बताया जाएगा हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे संडे के एपिसोड में तब तक थोड़ा और तड़पो थोड़ा और सोचो आई विल बी बैक टुमारो आज मेरे लॉकअप से हुए हैं तहसीन पूनावाला आउट और शायशा सिंधे ने खुद का सीक्रेट बता के खुद को कर लिया है सेव कल कौन रहेगा और कौन होगा लॉकआउट लेट्स सी टुमारो सी यू टुमारो